नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा है कि आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। साथियों, जैसे आपने बताया था कि जो 12th लेवल CET की तैयारी कर रहे हैं अपने छोटे बहन भाई, उनके लिए भी 5 क्लास अपन अपलोड करेंगे। उसमें ये पहली क्लास है और CET वाले भी जो जैसे ये एग्जाम हुआ ये ग्रेजुएशन लेवल का, तो उनके भी लगातार मैसेज आ रहे थे कि अब 12th लेवल का भी आ रहा है, तो उनके लिए भी कुछ बता दो, कुछ दिशा निर्देश है तो वो बता दो। ठीक है, तो अपन बताएंगे 12th लेवल वालों। पहले तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, किसी को भूले भटके को याद नहीं है तो मात्र आपके पास 1 महीने से भी कम समय बचा है, यानी फरवरी के 1st वीक में आपका CET 12th लेवल का एग्जाम है और वो एग्जाम के लिए आपके पास जो समय है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। देखो, आपने जो ग्रेजुएशन लेवल को भी की तो अपन ज्यादा जरूरत भी कोनी और अब तो क्रेज भी कोनी हो फार्म वार्म भर जी साहब, लेकिन जो 12th लेवल को है भी में ज्यादातर भर्तियां जैसे पुलिस कॉन्स्टेबल हो, वन रक्षक हो या किसी भी प्रकार की सारी भर्तियां उसी में, तो उसका ज्यादा क्रेज भी है और उसमें ज्यादा कंपटीशन रहने की संभावना है। संभावना क्या है? पूरी तरह कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तो आपको बात करूंगा। ठीक है, तो CET ग्रेजुएशन लेवल का अनुभव कि जो CET ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ उससे हमने क्या सीखा, क्या अनुभव रहा, तो इस पे भी बात करेंगे थोड़ा। जो मैंने एनालाइज किया है, मध्यम स्तर का पेपर था भाई, जो CET ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, बिल्कुल अपन ये नहीं कहेंगे कि सरल पेपर था। सरल आजकल पेपर नहीं बनता जैसा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि पेपर आउट होते हैं तो एग्जामिनर सोचते हैं जो पेपर पढ़ाते हैं कि वो पेपर हार्ड दे, और पेपर हार्ड देने का फायदा भी होता है। जो पढ़ाई करता है स्टूडेंट उसको पेपर हार्ड आने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि बच्चों का जैसा हमने पूछा है तो शानदार स्कोर हो रहा, तो और मैंने खुद ने भी CET का पेपर दिया था तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, यानी मध्यम स्तर का पेपर था। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाया था यही पेपर, 12th लेवल का पेपर भी यही बोर्ड बनाएगा। ठीक है, तो यही पैटर्न रहेगा, सब कुछ यही रहेंगे। गणित व अंग्रेजी का कोई ज्यादा रोल नहीं था भाई। जो अपने कॉन्स्टेबल के SI के जो साथी थे वो बोल रहे थे कि सर इसमें तो गणित इंग्लिश दे दी, आपने इंग्लिश 7 PDM ही कौन पढ़ी, तो आप किए काम चाले भाई, ये बहाना आपका हट गया है। ठीक है, मात्र 4 क्वेश्चन आए थे गणित के, और इंग्लिश में मैंने भी नहीं पढ़ी थी कभी, लेकिन 10 में से 9 क्वेश्चन मेरे भी ठीक थे। तो एक पैसेज आया था और उसमें से छाट के लिखते थे, जैसे 10th और 12th की एग्जाम में आते थे वैसे ही। तो ये बहाना आपका समाप्त हो गया है कि अंग्रेजी और गणित के बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना भी आप शानदार स्कोर इस पेपर में कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ज्यादा रोल नहीं था गणित और अंग्रेजी का। ठीक है, राजस्थान कला और संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया गया था, 23 क्वेश्चन मेरे पेपर में केवल कला और संस्कृति, जिसमें मुख्य रूप से एक तो नृत्य, एक वाद्य यंत्र और एक जो अपने चित्रकला में हवेलियां वगैरह होती है, वो हर पेपर में पूछा गया था। चारों के चारों पेपर के मैंने देखा था पैटर्न, और चारों शिफ्ट में कहीं ना कहीं नृत्य हर जगह थे और कला और संस्कृति का बहुत ज्यादा वेटेज था, तो कला और संस्कृति का आपके 12th लेवल में भी बहुत ज्यादा वेटेज रही। करंट को थोड़ा हार्ड किया गया था, ये बात माननी पड़ेगी, जो करंट थी वो थोड़ी पुरानी भी थी, 2021 की थी, और थोड़ा हार्ड भी था, तो करंट वाला मामला थोड़ा अपन कह सकते हैं कि हार्ड था। बाकी सारे रीजनिंग बिल्कुल ही सरल थी भाई, रीजनिंग तो बिल्कुल ही सरल थी, आपको भी पता है रीजनिंग बिल्कुल ही हार्ड नहीं थी। और जो कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको तो रीजनिंग अच्छे लेवल की करनी है, अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, अब एक जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, जो 12th लेवल की CET की तैयारी कर रहे हैं, आपने पेपर देख लिया होगा, लेकिन फिर भी जो चारों पेपर हुए हैं, 4 शिफ्ट में CET ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ है, वो आपको घर पे सोल्व करना है, बिना देखे ईमानदारी से वो पेपर सोल्व करना। ठीक है, और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है, वो नंबर मुझे व्हाट्सएप नंबर अपने जो आपके पास है या स्क्रीन पे आपके जो चल रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, उन पे मुझे बताना कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो पेपर सोल्व करना भाई अनिवार्य है। बाकी CET 12th लेवल वालों के लिए क्या है, क्या दिशा निर्देश है, ठीक है, तो टाइम मैंने पहले ही आपके बता दिया है कि केवल 1 महीना, मुश्किल से खास ताड़ के भाई आपके पास 1 महीना रहा है। ठीक है, आपको जितने बड़द वाक्य करने थे, जितना जो कारनामे करने थे वो कर लिए। ठीक है, जो सीखना था सीख लिया, अब 1 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता। आप YouTube पे देखोगे तो कई चैनल्स पे से क्लासे मिल जाएगी कि मात्र 25 दिन के अंदर CET का पेपर कैसे पास करें। यहाँ तक कि हम जब पुलिस का पेपर देने जाते थे तो ये तक कि मात्र जब लास्ट में 1 दिन बचता था तो मात्र 12 घंटे में पुलिस का पेपर कैसे पास करें, ऐसे न्यूज, और उस पर व्यूज देखे तो 2-2 लाख 3-3 लाख भाई, भूडो मुसल कोई भी
एक महीने यहाँ तक कि 6 महीने में भी कोई भी भर्ती या कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर सकता। यानी किसी भी भर्ती को फाइट करने के लिए, कहीं पे भी सिलेक्शन लेने के लिए श्योर 1 साल आपकी तैयारी चाहिए। 1 साल में मैं मानता हूं कि आईएएस आरएएस तक लग सकते हैं, तो 1 साल की कोई भी 12 घंटे एक महीना पढ़ के क्लियर नहीं हो सकता। तो अब आपके पास कोई भी नई चीज करने के लिए तैयार नहीं है। जितना आपकी इंग्लिश, जितनी गणित या रीजनिंग जितनी इंप्रूव होनी थी, उतनी आपने इतने दिनों में इंप्रूव कर ली होगी। ठीक है, नई किताब वे नई चीज कुछ भी नहीं पढ़ना है भाई। नई किताब आप जब मार्केट में जाते हो तो इतना बढ़िया कवर पेज की नई नई किताबें आती है कि आप उनको देखते ही आकर्षित हो जाते हो। हमेशा जो एक चीज पे फोकस रखता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। कभी उधर देखे कभी इधर देखे तो वो पार नहीं पड़ता भाई। एक चीज जो आपको मिल गई है, ठीक है, समझ रहे हो आप, तो उस पे बिल्कुल क्लियर रहो। ठीक है, तो एक किताब जो आप इतने दिन से पढ़ रहे थे वही किताबें आप पढ़ो, अब नई किताबें लाने में फायदा नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उल्टा मत समझो। ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दो भाई। आपने अब भी मैंने कहीं देखा है कि सब उस क्लासेस का कोर्स खरीद लूं क्या, वहां से कोर्स खरीद लूं क्या। अब ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ही बंद करो और सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो। 1 महीना रहा, बिल्कुल ओरिजिनल ईमानदारी से मेहनत करो। क्लासें, ऑनलाइन क्लासें आपकी आज से ही बंद हो जानी चाहिए, चाहे कितनी ही क्लास बाकी हो। ठीक है, गाइड को 2 बार रिविजन, आपने मैंने लक्ष्य की गाइड आप सबको बताई है, बाकी जो भी गाइड है। अब आपको ये नहीं है कि बाकी लक्ष्य की लानी है या दूसरी लानी है, जो भी आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की गाइड है उसको आपने इतने दिनों तक पढ़ा भी होगा तो आपका लगभग लगभग करोड़ होगा। तो 1 महीने में आप उसको 2 बार जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट पढ़ लो। ठीक है, उसमें समझने या कुछ भी नहीं है, ताकि ऊपर ऊपर का आपका रिविजन हो जाए। ये चीज बहुत कारगर चीजें हैं, आप इसको हड़के में मत ले। खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, एसआई में देख लो या राजस्थान पुलिस में देख लो, क्योंकि ये लाख रुपए की चीजें हैं, कोई नहीं बताता फ्री में। 200 300 रुपए 3 हजार के कोर्स में कोई नहीं बताता, ठीक है, लेकिन हम बताते हैं। कम से कम 20 मॉडल पेपर भाई। मॉडल पेपर किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए अंत में रामबाण साबित होते हैं। मॉडल पेपर चाहे किसी की तैयारी करो, आप पुलिस की तैयारी करो, एसआई की तैयारी करो, कांस्टेबल रीट, मॉडल पेपर आप जितने आगे जाओगे, ये उन चीज उन विद्यार्थियों के लिए भी ये चीजें लागू होती है जिन्होंने इतने दिन तैयारी नहीं की है, मस्ती में टाइम गुजार दिया। ठीक है, कम से कम गाइड को 1 2 बार पढ़ लो और 20 25 मॉडल पेपर दे लो, ठीक है, ताकि भला हो जाए भगवान का, नहीं तो 1 साल खराब हो जाएगी। 1 साल में कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, अंग्रेजी और गणित, कई लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी कटु पढ़ा, गणित कटु पढ़ना, पढ़ नहीं जाती पढ़ ली भाई। अब पढ़वा खातर की नहीं अंग्रेजी गणित में, ठीक है, 1 महीना में गणित नहीं सुधरे कोई की। आपने तो 22 साल में नहीं सुधरी तो अब कहीं सुधरी, लेकिन अब 1 महीना गणित को साइड में रख दो, नहीं आती है तो अब माथापोड़ी मत करो उससे। ठीक है, आपका स्कोर क्या होना चाहिए, जितना अपन ने पेपर देखा अच्छा स्कोर हो रहा है, ठीक है, कोई भी कोचिंग वाला कम मेरिट बताता है तो वो गलत है चीज। अच्छा स्कोर बच्चों ने किया है, इसमें भी आपका 195 से लेकर 200 तक का स्कोर होना चाहिए भाई 12th लेवल वालों, तब आप 15 गुणे में जाके आओगे। यदि आप 15 गुणे में नहीं आओगे तो पूरी साल खराब हो जाएगी भाई। जो चीजें ये मैंने पॉइंट बना के 6 पॉइंट बना के समझाया है, वो चीजें आपको समझना और अपने जीवन में अप्लाई करना जरूरी है। आपको ये चारों के चारों मॉडल पेपर देना जरूरी है। ठीक है, जितना हो सकता है हम बताते हैं आपको। आप मुझे पता है कि जो इन चीजों को वीडियो देखेंगे उनमें से केवल मात्र 2% लोग ही इसको अप्लाई करेंगे वास्तव में, और जो अप्लाई करेंगे वो फायदे में रहेंगे। बाकी ऐसी आशा है कि आपका स्कोर ठीक हो, आपकी पढ़ाई ठीक चले। जय हिंद, जय भारत।